क्यों सबका समय बर्बाद किया था बाबूराम जी? बोल दिया होता हमारा बेटा अब राणा जी की यहां नौकरी नहीं करता, हम नहीं लाते पंडित जी को। केद केद मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभिमन्यु ने सिर्फ रघु को ही अपने रास्ते से नहीं निकाला बल्कि हमें भी दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब शिवानी तो क्या, दादाजी भी खुद अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर सकते, तो फिर वो हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा क्यों देगा? अय्या भाभी, क्या आप भी दादू की तरह हम पे विश्वास नहीं करते? पगली मतलब हम ऐसा क्यों सोचेंगे? हमें तुम पे पूरा विश्वास है शिवानी। हम जानते कि दादाजी को रघु से ज्यादा वफादार नौकर नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा यही जो बेवजह का कंसर्न है ना रघु के लिए, बस इसी से अभिमन्यु को आइडिया मिला होगा तुम दोनों की झूठी बातें बनाने का। पर जैस, हम रघु को भूल भी तो नहीं सकते। बेबी जी, थैंक गॉड रघु, तुमने हमारा फोन तो उठाया। थारी हिम्मत कहाँ हुई फोन करने की? हमारे बच्चे की वफादारी को यो इनाम दियो आप लोगों ने। थारे पता भी है आज उसको रिश्तों टूट। क्या कर ले? माफ कीजिएगा बेबी जी, वो माँ जरा सी। इट्स ओके रघु। पर रघु। जी बेबी जी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आप बस हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगे हो जाएगा बेबी जी। थैंक्स रघु। बेबी जी अपनी पानी लेके आओ। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है रघु। रघु एक काम था। हो जाएगा बेबी। रघु, उस दिन तुमने अभिमन्यु के साथ एक आदमी को रिजॉर्ट की डील के बारे में बात करते सुना था। जी, कोई गोलचा नाम का आदमी था। करेक्ट, गोलचा। उस दिन हमने भी अभिमन्यु को होटल में गोलचा के साथ ही देखा था। रघु, अगर हमें अभिमन्यु की असलियत दाजू के सामने लानी है तो हमें किसी भी हाल में गोलचा को दाजू के सामने लाना ही होगा। जी। बेबी जी, मैंने उस आदमी को एक दो बार सुभाष नगर में देखा है, मुझे लगता है मुझे वहीं पे उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज रघु, रघु अगर तुम जल्द से जल्द गोलचा को नहीं ढूंढ पाए तो हमें मजबूरन अभिमन्यु के साथ शादी करनी ही होगी। नहीं बेबी जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ बेबी, कैसे भी उस आदमी को शाम से पहले हवेली लेके आऊंगा। थैंक्स रघु। आप जो कोई भी हैं बाहर जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? मालिश है आदमी। बिछाना, पिछड़ी दिवाड़ी में दर्शन हुए थे आपके, रघु के साथ आया था। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर काई गुजर रही है। निकल जाओ यहाँ से। चढ़े जाऊंगा आज जन्माष्टमी के दिन, भगवान किशन जी की कसम खा के बोलो, आपकी हवेली में तो क्या पूरे जोधपुर में रघु को चोक तो नजर नहीं आवे को किसी को। पर हाँ, इस काम में बहुत खर्चो लागे तो पैसों कहां से लाऊं? ये लो। आप नाराज मत होइए, आप कहते तो रख देता हूं। चखो लागिए यो चाण कर, राणा जी को अपनी इज्जत की खड़ी। ठीक है वकील साहब। ठीक है बलवंत जी, अगर सारे पेपर्स क्लियर है तो आप साइन कर दीजिए। बलवंत, साइन करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम एक बार और सोच लो तो अच्छा है। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के किया है डॉक्टर। हमने अपनी वसीयत बनवाई। वसीयत? और इतनी जल्दी? हमारी वसीयत के मुताबिक हमारी सारी प्रॉपर्टी जाएगी शिवानी के पति को। तो दिल बंधे बंधे एक डोरी से।